Starting with the name of Allah, the most gracious and merciful. Dear student, today we will talk about endocrine system. तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शंस करते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम है क्या. एंडोक्राइन सिस्टम में हम कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से टॉपिक है, इसके कौन कौन से पार्ट्स है. तो देखिए, ह्यूमन बॉडी में कम्युनिकेशंस के लिए दो सिस्टम्स है, यानी कम्युनिकेशंस के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर दो सिस्टम्स है. जो कि मेन सिस्टम्स है वो है नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम ह्यूमन बॉडी के अंदर मेन कम्युनिकेटरी सिस्टम्स है, जिसके ज़रिए एक सिस्टम के फंक्शंस कंट्रोल होती है अंडर द मैसेज ऑफ ब्रेन, अंडर द इम्पल्स ऑफ नर्वस सिस्टम. तो सबसे मेन जो सिस्टम्स है जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन करता है, मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स के आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, वो मेन सिस्टम है. इसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम. यानी नर्वस सिस्टम में विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन ब्रेन जो है मुख्तलिफ किस्म के बॉडी फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ ऑटोनोमिक एंड सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक पाथवे, ब्रेन जो है ये मुख्तलिफ किस्म के बॉडी स्ट्रक्चर्स की जितने भी फंक्शंस है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है, उसको कंट्रोल करता है. दूसरा सिस्टम जो कि रिस्पॉन्सिबल है कम्युनिकेशंस के लिए वो है एंडोक्राइन सिस्टम. फ़र्क सिर्फ इतना है, फ़र्क को सिर्फ आप लोग अंडरस्टैंड करें. एंडोक्राइन सिस्टम में कम्युनिकेशंस होती है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स, लेकिन नर्वस सिस्टम में कम्युनिकेशन होती है विद द हेल्प ऑफ नर्व इम्पल्स विच जनरेटेड फ्रॉम द न्यूरॉन. तो ये मेन डिफरेंस है. बाकी इन दोनों का काम जो है वो मेजॉरिटी सेम है. दोनों का काम ह्यूमन बॉडी के मुख्तलिफ सिस्टम्स के आपस में कोऑर्डिनेशन है, आपस में कम्युनिकेशन है. लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि एंडोक्राइन सिस्टम में जो मीडियम्स है, जो मीडियम है जिसमें मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र होती है, वो है ब्लड. यानी ब्लड के ज़रिए हार्मोन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके अपने टारगेट सेल तक पहुँच जाती है. तो सबसे पहले यानी एंडोक्राइन सिस्टम्स के लिए जो मीडियम है जिसमें मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र होती है, वो है ब्लड. लेकिन अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम में जो मीडियम है वो है नर्वस, या इसको हम कहते हैं न्यूरॉन. दूसरी बात, नर्वस सिस्टम में जो मैसेंजर्स है, जो ट्रांसपोर्टर्स है जिसके ज़रिए मैसेज ट्रांसफ़र होती है, वो है नर्वस सिस्टम में नर्व इम्पल्स. लेकिन अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम में ट्रांसपोर्टर या मैसेज ट्रांसफार्मर वो कौन है, वो है हार्मोन्स. तो ये इन दोनों में थोड़ा सा मेन डिफरेंट है. बाकी एंडोक्राइन सिस्टम में मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड्स हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन सिक्रीट करता है, और ये हार्मोन्स जाके ब्लड के ज़रिए विद द हेल्प ऑफ ब्लड ये अपनी टारगेट सेल तक पहुंच जाती है. लेकिन नर्व सिस्टम में मुख्तलिफ किस्म के ब्रेन है, ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स है, स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल नर्व्स है. तो ये मुख्तलिफ किस्म के इसके पार्ट्स है जिसके ज़रिए मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाता है. तो नर्व सिस्टम के बारे में हमने डिटेल में बात की कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स है, कौन कौन से पार्ट का कौन सा फंक्शन है, और किस तरह एक जगह से दूसरी जगह मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र होता है. आज हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में कि एंडोक्राइन सिस्टम है क्या चीज़, एंडोक्राइन सिस्टम में मैसेज किस तरह ट्रांसफ़र होता है, और एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन्स की ट्रांसपोर्ट के लिए, हार्मोन्स की प्रोडक्शंस के लिए, या हार्मोन्स की वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए. तो मतलब यह है कि एंडोक्राइन सिस्टम में जो मेन पार्ट है वो है ग्लैंड्स. यानी ग्लैंड्स वो पार्ट है एंडोक्राइन सिस्टम्स में जो हार्मोन्स की सिंथेसिस करता है, हम हार्मोन्स की जो है वो क्रिएशन करता है, हार्मोन्स की फॉर्मेशन करता है. अब ये हार्मोन इन ग्लैंड्स के अंदर बन के ये ब्लड्स के अंदर चले जाते हैं, और ब्लड के ज़रिए ये अपनी टारगेट सेल तक पहुँच जाते हैं. इसी तरह एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये बर्थ से लेके, यानी कंसेप्शन से लेके बच्चे के माँ के पेट के अंदर, यूट्रस के अंदर, जब यूट्रस के अंदर स्पर्म्स और ईग की कम्बिनेशन हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, एम्ब्रियो बन जाए, तो इसको हम कहते हैं कंसेप्शन. अब इस कंसेप्शन से लेके टिल डेथ, यानी जो है वो टिल डेथ लास्ट ब्रीथ तक जो है हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए इन साइड द ह्यूमन बॉडी. कुछ जनरल एक्टिविटीज़ है या कुछ जनरल फंक्शंस हार्मोन की, वो है डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन. यानी ब्रेन के जितने भी डेवलपमेंट है, इसके जितने पार्ट्स है, इन पार्ट्स की डेवलपमेंट, ये अंडर द कंट्रोल ऑफ ए हार्मोनल सिस्टम. इसके साथ साथ नर्व सिस्टम्स की जो डेवलपमेंट है, नर्व सिस्टम की जो ग्रोथ है, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम. ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जितना भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है मेल की हो या फीमेल की हो, इसकी ग्रोथ और इसकी डेवलपमेंट, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है एंडोक्राइन सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के डिफरेंट हार्मोन्स. इसी तरह जनरल ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी की जितनी भी ग्रोथ है, उसकी जितनी भी सेल डिविजन है, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, एज वेल एज मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड शुगर.
मेटाबॉलिज्म जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. यानी ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन विच हैपन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी वी मे कॉल देम मेटाबॉलिज्म. अब देखिए, ये मेटाबॉलिज्म जो है दिस इज बिकॉज ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम एंड बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम. तो ये कुछ जनरल ओवरव्यू है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप लोगों के जहन में एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में एक जो है स्केच बन जाए. इसके बाद आप लोग इजिली एंडोक्राइन सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ऑब्जेक्टिव, एट द एंड ऑफ दिस यूनिट द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम्स क्या है, आइडेंटिफाई द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अमंग सेल्स. यानी सेल्स के अंदर कम्युनिकेशन किस तरह होती है, हार्मोन्स किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है. जिस तरह मैंने आपको बताया कि ब्लड जो है वो मीडियम है जिसके जरिए हार्मोन एक जगह से दूसरी जगह अपना मैसेज पहुंचा देता है. जिस तरह नर्व सिस्टम्स में नर्व इंपल्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन सेल्स, तो इसी तरह या विद द हेल्प ऑफ नर्व सेल, इसी तरह हार्मोन्स जो है वो ब्लड के जरिए अपने टारगेट सेल तक पहुंच जाती है. आइडेंटिफाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन टिश्यू प्रेजेंट इन द बॉडी. यानी एंडोक्राइन सेल्स क्या है और एंडोक्राइन टिश्यूज क्या है. डिस्कस टाइप ऑफ हार्मोन टारगेट सेल्स एंड टारगेट ऑर्गन्स. अब देखिए वो कौन से पार्ट्स है एंडोक्राइन सिस्टम्स के बारे में, इसके बारे में भी हम बात करेंगे. Briefly discuss mechanism of actions of hormone, protein and steroids. यानी hormones किस तरह action करता है target cell तक जब hormones पहुंच जाता है, वहाँ पर hormone कौन सी changes लाती है जो कि human body की physiology में change लेके आता है या physiology को change करता है. Discuss the location and structure of pituitary glands क्या है, वो कहाँ पर locate करती है और इसके functions और इसकी structures क्या है. डिस्कस द रोल ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन इन द रेगुलेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीशन. हाइपोथैलेमिक की जो हार्मोन्स है हाइपोथैलेमस की, वो रिस्पांसिबल है पिट्यूटरी ग्लैंड्स की सिक्रीशंस के लिए. और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसके हार्मोन बाकी जितने भी ग्लैंड्स है उसकी सिक्रीशन को जो है वो कंट्रोल करता है. डिस्कस द फंक्शन ऑफ द हार्मोन सिक्रीटेड बाय द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट से, एक को हम कहते हैं इंटीरियर और दूसरे को पोस्टीरियर, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन को सिंथेसाइज करता है. Briefly discuss the structure, functions and hormone of the following glands. यानी ये जितने भी नीचे ये glands है जिसमें thyroid है, parathyroid है, pineal, adrenal and pancreas. यानी इसके कौन कौन से functions है और ये कौन कौन से hormones, यानी ये सब glands है. यानी thyroid glands है, parathyroid glands है, pineal, adrenal and pancreas. ये सब glands है. अब ये glands कौन से hormones secrete करते हैं और इन hormones का functions क्या है, ये कौन कौन से physiological changes लेके आता है inside the human body. तो सबसे पहले ये एक डायग्राम है. इस डायग्राम में आप लोग हार्मोन्स की या ग्लैंड्स की, ग्लैंड्स वो ऑर्गन्स है वो पार्ट्स है जो हार्मोन सिंथेसाइज कर लेता है. अब ये मुख्तलिफ किस्म की ग्लैंड्स है जो हार्मोन को सिक्रीट कर लेता है और ये ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट्स है. इसमें सबसे पहले जो मेन कंट्रोलिंग ग्लैंड्स है वो है हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट है और ये बाकी जितने भी हार्मोन्स है मेजॉरिटी ऑफ देम इसके फंक्शंस को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस के नीचे पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स. इसके दो पार्ट्स है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर. इसके बाद इन द फ्रंट ऑफ लेग पाया जाता है थायराइड ग्लैंड एंड बियॉन्ड द थायराइड ग्लैंड देयर इज प्रेजेंट पैराथायराइड ग्लैंड. इसी तरह अबव द किडनी देयर इज प्रेजेंट एड्रिनल ग्लैंड अबव द किडनी एंड आल्सो प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी पेंक्रियाज. पेंक्रियाज आल्सो सीक्रेट बीटा एल्फा एंड बीटा सेल ऑफ द पेंक्रियाज. दे सीक्रेट इंसुलिन एंड ग्लूकागन विच आर हार्मोन्स. इसी तरह ओवरीज अपने हार्मोन्स जो है वो सीक्रेट कर लेते हैं जिसके बारे में हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात की थी. इसी तरह टेस्टिस है, टेस्टिस भी डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन जिस तरह टेस्टोस्टेरोन्स है डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स ये सिंथेसाइज कर लेते हैं. तो देखिए ये कुछ एरियाज है, कुछ पार्ट ऑफ द बॉडी है वेयर देयर इज प्रेजेंट ग्लैंड्स एंड दिस ग्लैंड सीक्रेट डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स विच कंट्रोल डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी. सबसे पहले कुछ मेन कंसेप्ट है जो कि बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इन कंसेप्ट का समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है. एंडोक्राइन सिस्टम. सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम की डिफिनीशन का आप लोगों को पता होना चाहिए. द सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस सेलुलर सिक्रीशन विच हेल्प टू कंट्रोल बॉडी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी. यानी वो सिस्टम जिसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. जिस तरह स्ट्रक्चर में आप लोगों ने डिफरेंट लोकेशन में ग्लैंड्स को देख लिया कि कहाँ पे कौन कौन से ग्लैंड प्रेजेंट हैं,
अब ये ग्लैंड जो है ये सिंथिसाइज कर लेता है, ये सिक्रेट कर लेता है हार्मोन्स, और ये हार्मोन्स डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, एनाबॉलिज्म्स को, कैटाबॉलिज्म्स को, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, इन सब को कंट्रोल करता है। अब देखिए, एंडोक्राइन सिस्टम इज अ डक्टलेस सिस्टम, मतलब ये है कि एंडोक्राइन सिस्टम के जितने भी ग्लैंड है इसकी कोई डक्ट, कोई वेसल्स नहीं होती, बल्कि एंडोक्राइन सिस्टम की जो ग्लैंड है ये ग्लैंड सिंथिसाइज कर लेता है, ये सिक्रेट कर लेता है हार्मोन्स, और ये हार्मोन्स डायरेक्टली चला जाता है इनटू ब्लड, और ब्लड के जरिए अपनी टारगेट सेल तक पहुंच जाता है। तो वो सिस्टम जिसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड्स सिंथेसाइज कर लेता है हार्मोन्स, और ये हार्मोन्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेता है इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, उस सिस्टम को हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? अ डक्टलेट ग्लैंड दैट सीक्रेट्स हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब एंडोक्राइन सिस्टम की वो पार्ट जो कि हार्मोन्स को सीक्रेट कर लेता है उस पार्ट को हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो देखिए, एंडोक्राइन सिस्टम एक सिस्टम है, ये एक कॉम्बिनेशन है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के इसके पार्ट्स है, इसके कंपोनेंट्स है। जिसी तरह एक कंपोनेंट इसका है ग्लैंड्स, दूसरे कंपोनेंट इसका है हार्मोन्स, ये तो उसके मेन कंपोनेंट्स है। तो देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम यह है कि ये मेनली हार्मोन को सिंथिसाइज कर लेता है, हार्मोन की फॉर्मेशन कर लेता है। अभी हार्मोन चला जाता है इनटू द ब्लड, और ब्लड के जरिए अपनी टारगेट सेल तक पहुंच जाती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? अ ग्लैंड दैट सीक्रेट इट्स प्रोडक्ट थ्रू अ डक्ट। अब देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन सा फर्क है? तो देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब यह है कि वो ग्लैंड्स जो कि अपने सीक्रेशन को ब्लड के जरिए अपने टारगेट सेल तक पहुंचा देता है उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी उसकी कोई डक्ट नहीं होती, कोई वेसल्स नहीं होती। तो वो ग्लैंड जिसकी वेसल्स नहीं होती और वो अपने हार्मोन्स को ब्लड के जरिए अपने टारगेट सेल तक पहुंचा देता है उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरा है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जिसकी अपनी डक्ट होती है और ये अपनी डक्ट के जरिए या अपनी वेसल्स के जरिए अपनी सीक्रेशन को पहुंचा देता है। कहाँ पे सीक्रेशन को पहुंचा देता है? अपने टारगेट एरियाज तक। फॉर एग्जांपल, मुख्तलिफ किस्म के इसके एग्जांपल्स हैं, जिस तरह लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं, यानी लैक्रिमल ग्लैंड्स ऑफ द आईज, ये हार्मोन्स को सिक्रीट कर लेता है और ये आईज की प्रोटेक्शन कर लेता है। इसी तरह सलाइवरी ग्लैंड्स है, मेमोरी ग्लैंड्स है, यानी मिल्क की प्रोडक्शन के लिए जो ग्लैंड्स है। इसी तरह डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन द स्टोमेज, पैंक्रियाज एंड इंटेस्टाइन्स, तो ये कुछ वो ग्लैंड्स है, स्वीट ग्लैंड्स है, लैक्रिमल ग्लैंड्स है जो कि टीयर को प्रोड्यूस कर लेता है, टीयर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस, टेंशन आर वीपिंग। तो ये वो हार्मोन्स है जिसकी अपनी डक्ट होती है और ये अपनी डक्ट के जरिए जो है अपनी हार्मोन्स को अपनी टारगेट तक पहुंचा देता है। अब हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स वो मेन पार्ट है जिसके जरिए एक जगह से दूसरी जगह मैसेज ट्रांसफर होता है। जिस तरह नर्व सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ लिया नर्व इंपल्स के, नर्व इंपल्स वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जिसके जरिए मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी ब्रेन में जो है एक आइडियाज क्रिएट होती है कि हम अपने हाथ को ऊपर जो है वो उठा दें। अब ये मैसेज जो है ब्रेन से हाथ तक किसके जरिए पहुँच जाता है? ये नर्व्स के जरिए पहुँच जाता है, और नर्व्स में जो चेंजेस आती है, जो ट्रांसपोर्टर है, इस ट्रांसपोर्टर को हम कहते हैं नर्व इंपल्स। जिस इसी तरह सेम लाइक केस यहाँ पे है एंडोक्राइन सिस्टम में। एंडोक्राइन सिस्टम में वो पार्ट जो कि मैसेज जिसके जरिए पहुंच जाती है एक जगह से दूसरी जगह उसको हम कहते हैं हार्मोन्स। यानी हार्मोन्स इज अ केमिकल रिलीज्ड बाय अ सेल्स आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी दैट यूजुअली अफेक्ट सेल इन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी एक पार्ट में वो पार्ट कौन है? वो पार्ट है ग्लैंड्स, आइदर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स या एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो देखिए, हार्मोन्स एक जगह पे प्रोड्यूस होती है और दूसरी जगह पे ये किसी दूसरे सेल्स की जो है इसके फंक्शंस को कंट्रोल कर लेते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल इंसुलिन है, इंसुलिन ये ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को जो है वो कम कर लेती है। तो अब देखिए, इंसुलिन पेंक्रियास के अंदर प्रोड्यूस होती है लेकिन ये ब्लड के अंदर जाके थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट कर लेता है और हर सेल तक पहुंच करके वहां पे जो है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम करता है। तो ये कौन है? ये हार्मोन्स है, इंसुलिन एक हार्मोन्स है। लाइजेंट क्या है? अ सब्सटेंस इज व्हिच बाइंड विद रिसेप्टर। अब वो सब्सटेंस इज जो हर वो चीज़ जो रिसिप्टर के साथ बाइंड होता है उसको हम कहते हैं लाइजेंट। अब देखिए, हार्मोन्स भी एक लाइजेंट हो सकता है। हार्मोन्स मतलब ये है कि वो चीज़ जो रिसिप्टर के साथ अटैचमेंट करता है। अब रिसिप्टर्स क्या है? फॉर एग्जांपल, इंसुलिन रिलीज हुआ लेकिन इंसुलिन ब्लड के अंदर, लेट सपोज इंसुलिन में सर्कुलेट इन साइड द ब्लड। अब देखिए, ये इंसुलिन अपने टारगेट सेल तक पहुँच गया। अब इन टारगेट सेल पे उसको रिसीव करने के लिए वहाँ पे रिसिप्टर प्रेजेंट होता है और ये रिसिप्टर इस हार्मोन को रिसीव करके इसकी मैसेज को सेल के अंदर ट्रांसफर कर लेता है। तो उस कंपोनेंट ऑफ द सेल को हम कहते हैं रिसिप्टर, विच मे रिसीव द मैसेज एंड ब्रिंग चेंजेस इन द सेल।
तो उस पार्ट को हम कहते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप लोग किसी जगह पे किसी होटल के अंदर चले जाते हो तो होटल के गेट में रिसेप्शन होता है, रिसेप्शन वाले से आप पूछ लेते हैं होटल के मेन्यूज के बारे में, आप उनसे पूछ लेते हैं और फिर वो आपको बता देता है कि आप फुला जगह पे चले जाए या इसी जगह पे चले जाए। मतलब ये कि वो अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करता है। तो इसी तरह सेम रिसिप्टर भी है, रिसिप्टर और जितने भी हार्मोन्स आते हैं वो ब्लड से रिसीव करके उस हार्मोन्स की मैसेज को सेल के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर देता है। कम्युनिकेशन अमॉन्ग सेल्स, यानी सेल्स के अंदर कम्युनिकेशन किस तरह होती है। फॉर एग्जांपल हमने बात की कि ग्लैंड्स के अंदर हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट होते हैं, हार्मोन्स ग्लैंड्स के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। अब हर ग्लैंड्स क्या है, ग्लैंड्स भी सेल्स की एक जो है वो पार्ट है, टिश्यूज की कॉम्बिनेशन है, एक ऑर्गन से सेल से बना हुआ है। अब ये सेल जो है फॉर एग्जांपल उसने सिंथेसाइज किया, फॉर एग्जांपल इंसुलिन या ग्लूकागन को उसने सिंथेसाइज किया। अब ये इंसुलिन एंड ग्लूकागन ब्लड के जरिए किसी दूसरी जगह पे चला जाता है तो उसको हम कहते हैं सेल टू सेल कम्युनिकेशन। यानी एक सेल में एक हार्मोन्स बन गया, ये हार्मोन्स किसी दूसरी जगह पे चला गया, वहां पे अपने टारगेट सेल्स में उन्होंने अपना एक चेंजेस लेके आया, फिजियोलॉजिकल सिस्टम में उसने कोई चेंज जो है वो चेंजेस उसने लाई तो उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन अमंग सेल विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय टू मेजर सिस्टम एज नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो देखिए स्टार्ट में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्टिव जो है इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों के साथ बात की कि कम्युनिकेशंस के लिए सेल्स के अंदर यानी ह्यूमन बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं उसके अंदर कम्युनिकेशंस दो सिस्टम्स के जरिए होती है। एक है नर्व सिस्टम, मेन सिस्टम जो है कम्युनिकेशन की वो है नर्व सिस्टम, दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। फॉर द बॉडी टू मेंटेन होम्योस्टेसिस सेल मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट इंटीग्रेट देयर एक्टिविटीज। यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को लाने, होम्योस्टेसिस एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, यानी जिस सिस्टम का जो फंक्शंस है अगर वो अपनी नॉर्मल प्रोसेस से अपनी फंक्शंस करते हैं तो उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। यानी फॉर एग्जांपल नर्व सिस्टम का काम है मैसेज को ट्रांसफर करना, यूरिनरी सिस्टम का काम है यूरिन की फिल्ट्रेशन करना, मुख्तलिफ किस्म की इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस को मेंटेन रखना, इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन। तो मतलब ये है कि जिस सिस्टम का जो फंक्शंस है अगर वो अपनी प्रॉपर तरीके से अपने फंक्शंस को अंजाम देता है तो उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो नॉर्मल होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए हार्मोनल और नर्व सिस्टम के अंदर कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर इन द फॉलोइंग वेज। सेल एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ इन डिफरेंट वेज के जरिए जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट हो सकती है। सेल टू सेल सिग्नलिंग और सेल सिग्नलिंग, यानी एक सेल जो है वो दूसरे सेल को सिग्नल देता है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स और विद द हेल्प ऑफ नर्व इम्पल्स। द सेल कम्युनिकेट विद ईच अदर वाया केमिकल मैसेंजर विच आर हार्मोन्स और हार्मोन्स लाइक सब्सटेंसेस। यानी हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स वो चीज़ है जो कि ग्लैंड्स के अंदर सिंथेसाइज होती है, ये किसी दूसरे टारगेट सेल तक पहुँच जाके वहाँ पर कोई चेंजेस लाता है। दे मस्ट बी सिक्रेटेड बाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर नर्व एंडिंग। तो देखिए ये बात भी आप लोग जो है रिमेंबर रखें, हार्मोन्स जो है मेनली ये एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन की सिक्रेशन करता है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी, एक एक्सेप्शन ये भी है कि नर्व्स की जो एंडिंग्स है, नर्व सेल्स की जो पार्ट्स है कुछ वहाँ पर भी जो है हार्मोन्स की सिंथेसिस होती है और उसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। यानी कुछ नर्व सेल्स भी हार्मोन्स की सिंथेसिस कर लेते हैं, लेकिन मेनली अगर एमसीक्यूज में आ गया तो मेनली हार्मोन की सिंथेसिस का काम है एंडोक्राइन सिस्टम का और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ग्लैंड्स का काम है हार्मोन्स की सिंथेसिस। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल मैसेंजर, अब देखिए वो केमिकल मैसेंजर जिसको हम कहते हैं हार्मोन्स, हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर है जिसके जरिए एक जगह से दूसरी जगह मैसेज जो है ट्रांसफर होता है। अब इसके क्लासिफिकेशंस क्या है, यानी मतलब यह है कि हार्मोन्स की क्लासिफिकेशंस क्या है, एंडोक्राइन मैसेंजर, पैराक्राइन मैसेंजर, ऑटोक्राइन मैसेंजर एंड न्यूरोक्राइन मैसेंजर, ये मुख्तलिफ किस्म की क्लासिफिकेशंस है केमिकल मैसेंजर की। और केमिकल मैसेंजर को हम कहते हैं हार्मोन्स, यानी हार्मोन्स एक केमिकल्स है और ये एक्शन कर लेता है जस्ट लाइक अ मैसेंजर, ये एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचा देता है तो इसलिए हम कहते हैं इसको केमिकल मैसेंजर। वो है पैराक्राइन। तो पैराक्राइन का मतलब यह है कि पैराक्राइन एक सेल के अंदर फॉर एग्जाम्पल इंजरी की हमने बात की कि इंजरी फॉर एग्जाम्पल एक सेल्स के अंदर इंजरी हो गया तो इसके इस सेल्स ने लेट सपोज उसको एक्सक्रीट कर दिया ये डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन को,
तो ये हार्मोन्स चले जाते हैं इन टू द नॉइब्रिंग सेल और वहाँ पर अपना फंक्शन कर लेता है, यानी ये अपने नॉइब्रिंग या अटैच सेल में अपना फंक्शन कर लेता है। दूसरी साइड पर अगर हम बात करें ऑटोक्राइन सेल्स की, तो ऑटोक्राइन सेल उस सेल्स के अंदर जहाँ पे ये सिंथेसाइज होती है वहाँ पे ये अपना फंक्शंस कर लेता है, यानी जहाँ पे ये पैदा होती है वहाँ पे भी ये अपना फंक्शंस कर लेता है। और इसकी एग्जांपल्स क्या है, इसकी एग्जांपल्स है ल्यूकोट्राइन्स। तो ल्यूकोट्राइन्स क्या है, ये एक बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स है जो कि ल्यूकोसाइट सेल्स के अंदर इसकी प्रोडक्शन होती है, और ये मुख्तलिफ किस्म ल्यूकोसाइट सेल्स के अंदर भी इसकी प्रोडक्शन होती है। इसके साथ साथ मेस्ट्रोसाइट सेल, मैक्रोफेजेस और अदर टिश्यू सेल्स के अंदर भी इसकी सिंथेसिस होती है। और ये इम्यूनो जो है रिस्पॉन्स या इम्यूनोलॉजिकल्स एंड नॉन इम्यूनोलॉजिकल स्टिमुलाई, यानी आप लोगों ने पढ़ा है इम्यूनिटी चैप्टर्स में माइक्रोबियोलॉजी में मुख्तलिफ किस्म के इम्यून रिएक्शन होते हैं। अब ये इम्यून रिएक्शन किस चीज़ की वजह से होती है, ये होती है ल्यूकोट्राइन्स की वजह से। फोर्थ वन ये है न्यूरोक्राइन्स। तो देखिए न्यूरोक्राइन्स वो हार्मोन्स है जो कि सिंथेसाइज होती है फ्रॉम द नर्वस एंडिंग। तो देखिए एमसीक्यूज में भी इसी तरह आ सकती है, द हार्मोन्स विच इज सिंथेसाइज इनसाइड द नर्व सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरोक्राइन्स। तो इसके दो एग्जांपल्स हैं, न्यूरोक्राइन्स आर न्यूरल मैसेंजर आर न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड न्यूरो हार्मोन्स। इसकी एग्जांपल्स क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड न्यूरो हार्मोन्स, इसकी ये दो एग्जांपल्स हैं। अब देखो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है, From nerve cells to another, our nerve cells are muscles like acetylcholine and dopamine. मतलब क्या है इसमें, आप लोग डिफरेंट को समझे। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब यह है कि एक नर्व एंडिंग इसको रिलीज कर लेता है, दूसरे नर्व एंडिंग इसको रिसीव कर लेता है, और इसी तरह एक नर्व सेल से मैसेज दूसरे नर्व सेल के अंदर जो है वो ट्रांसफर होता है। और इसकी एग्जांपल क्या है, एसिटाइल कोलिन एंड डोपामिन, ये दो इसकी एग्जांपल है। दूसरी साइड पर हम बात करते हैं न्यूरो हार्मोन्स की, बाई नर्व सेल इन टू ब्लड स्ट्रीम। तो देखिए डिफरेंट ये है, न्यूरोट्रांसमीटर एक नर्व सेल से, लेट सपोज ये एक नर्व सेल की एंडिंग है, यहाँ पे ये रिलीज हो गया, ये दूसरे नर्व एंडिंग है, यहाँ पे ये एब्जॉर्ब हो गया। तो देखिए मतलब ये कि ये एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक या एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज पहुँचा देता है, जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। दूसरा है न्यूरो हार्मोन्स। न्यूरो हार्मोन्स का मतलब ये कि नर्व सेल्स की जो एंडिंग है ये इसको सिंथेसाइज कर लेता है, इसके बाद ये ब्लड के अंदर चला जाता है और ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट करके ये किसी दूसरी जगह पर चला जाता है। और इसकी एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीटोसिन, ADH, एंटी डायबिटिक हार्मोन एंड हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन, ये इसकी एग्जांपल है किस चीज़ की, नर्व हार्मोन्स की, यानी ये वो हार्मोन्स है जो कि सिंथेसिस होती है इनसाइड द नर्व सेल्स और ये ब्लड के अंदर चला जाता है, जस्ट लाइक अदर हार्मोन्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, और अपने टारगेट सेल तक पहुँच जाता है। नॉरएपिनेफ्रिन एक्ट एज बोथ। अब देखिए नॉरएपिनेफ्रिन जो है ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर भी है और न्यूरो हार्मोन्स भी है। मतलब ये कि नॉरएपिनेफ्रिन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को भी जो है वो मैसेज पहुंचा देता है, और एक न्यूरॉन से ये ब्लड के अंदर जाके अपने टारगेट सेल तक भी अपना मैसेज पहुंचा देता है। वन एग्जाम्पल ऑफ लोकल हार्मोन इज इंटरलोकिन 2। लोकल हार्मोन्स या इसको हम कहते हैं ऑटोक्राइन्स, इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है इंटरलोकिन 2 व्हिच इज रिलीज बाय हेल्पर टी सेल्स। टी सेल्स की एक टाइप से, इसके डिफरेंट टाइप्स है, इसमें एक टाइप टी सेल्स है, ये इसको रिलीज कर लेता है और ये इम्यून रिस्पांस में रिस्पॉन्सिबल है। इंटरलिक्यून 2 हेल्प एक्टिवेट अदर नियर बाई सेल्स पेराक्राइन इफेक्ट, यानी ये एक पेराक्राइन इफेक्ट क्रिएट कर लेता है, यानी ये जिस सेल्स के अंदर सिंथेसाइज होती है अपने सराउंडिंग में जितनी भी इसकी नॉइब्रिंग में सेल्स है ये इसकी एक्टिविटी को जो है वो इन्हांस कर लेता है। But it also act as in autocrines by stimulating the same cell that release it to proliferate. तो मतलब ये है कि interleukin 2 जो है ये autocrine भी है और ये paracrine भी है, यानी ये both है। अगर MCQs में आ गया कि which one of the following is an example of autocrine plus paracrine, तो वो है interleukin 2। तो मतलब ये है कि interleukin 2 ये एक example है paracrine की plus autocrine की, ये एक exception के। द रोल ऑफ हार्मोन्स रिसिप्टर्स। अब देखिए हार्मोन्स की जो रिसिप्टर्स है, मतलब ये है कि अगर रिसिप्टर्स नहीं है तो हार्मोन्स हार्मोन्स अपना फंक्शन नहीं कर सकता। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, डायबिटिक की दो टाइप्स है, वन है टाइप 2 डायबिटिस मेलाइटिस एंड सेकेंड इज टाइप 1 डायबिटिस मेलाइटिस एंड सेकेंड टाइप 2 डायबिटिस मेलाइटिस। मेनली डिफरेंट क्या है मैं आपको समझाता हूँ। टाइप 1 डायबिटिस मेलाइटिस में प्रॉब्लम्स पाई जाती है इन साइड द इंसुलिन एंड ग्लूकागन प्रोड्यूसिंग सेल्स, यानी प्रॉब्लम पाई जाती है इन साइड द पेंक्रियास,
जिसकी वजह से हार्मोन सिंथेसाइज नहीं होती, हार्मोन्स की डिफिशियंसी आ जाती है। लेकिन अगर हम बात करें टाइप 2 रिसेप्टर्स की, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की, तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में हार्मोन सफिशियंट मेदार में प्रेजेंट होता है, लेकिन रिसेप्टर रिस्पांस नहीं देता किस चीज़ को, हार्मोन्स को, जिसकी वजह से ग्लूकोज की अमाउंट, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो मतलब ये है कि हार्मोन्स की फंक्शंस के लिए, हार्मोन्स की रोल्स के लिए रिसेप्टर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हार्मोन्स ट्रेवल थ्रू द बॉडी इन द ब्लड। तो देखिए, हार्मोन जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हार्मोन्स के लिए ट्रांसपोर्टर मीडियम जो है वो है ब्लड, ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रखें। इट इन्फ्लुएंस ओनली इट्स टारगेट सेल बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड रिसेप्टर। तो देखिए, रिसेप्टर्स क्या है, रिसेप्टर इज द बाइंडिंग साइट ऑफ सेल्स वेयर हार्मोन्स अटैच एंड रिसेप्टर ब्रिंग अ फिजियोलॉजिकल चेंज इनसाइड द सेल्स। तो रिसेप्टर्स क्या है, रिसेप्टर्स प्रोटीनिक इन नेचर से, ये सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और ये हार्मोन्स को मुख्तलिफ किस्म के मैसेजेस को रिसीव करके सेल्स के अंदर पहुंचा देता है। ओनली द टारगेट सेल रिकॉग्नाइज दैट लाइक दैट हार्मोन्स लाइक की लॉक रिलेशनशिप। तो देखिए, जिस तरह आप लोगों ने एंजाइम्स में बात की लॉक एंड की हाइपोथेसिस के हवाले से, कि हर एक एंजाइम्स के लिए एक स्पेसिफिक जो है वो एक पार्ट है, एक स्पेसिफिक उसके लिए सबस्ट्रेट है, इसी तरह हम अगर हम हार्मोन्स हार्मोनल सिस्टम में बात करें तो हर एक हार्मोन्स के लिए अपना अलग से रिसेप्टर दे, यानी एक हार्मोन्स किसी दूसरे रिसेप्टर के साथ एक्शंस नहीं कर सकते, देयर इज स्पेसिफिसिटी, लॉक एंड की हाइपोथेसिस जस्ट लाइक द एंजाइम्स। रिसेप्टर्स लाइक अदर सेलुलर प्रोटीन्स आर कॉन्स्टेंटली बींग सिंथिसाइज एंड ब्रोकन डाउन। और इसी तरह रिसेप्टर जो है ये बन जाते हैं मुख्तलिफ सेल्स के अंदर, ये प्रोटीन की नेचर है और इसकी कॉन्स्टेंटली इसकी सिंथिसाइज होती है। जनरली टारगेट सेल्स हैज 2,000 to 1,00,000 रिसेप्टर फॉर अ पर्टिकुलर हार्मोन। हर एक सेल्स के, एक इंडिविजुअल सेल के सर्फेस पे 2,000 to 1,00,000 तक इसके ऊपर रिसेप्टर्स पाई जाती है एक स्पेसिफिक हार्मोन्स के लिए। तो मतलब यह है कि एक सेल्स में एक इंडिविजुअल हार्मोन्स के लिए या एक स्पेसिफिक हार्मोन्स के लिए 2,000 to 1,00,000 तक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। टारगेट सेल्स कैन मॉड्यूलेट देयर सेंसिटिविटी टू हार्मोन्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह जो है रिसेप्टर्स की मॉड्यूलिटी है, रिसेप्टर किस तरह अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम दो प्रोसेस पढ़ेंगे, डाउन रेगुलेशन एंड अप रेगुलेशन। अब ये डाउन रेगुलेशन क्या है और ये अप रेगुलेशन क्या है। When a hormone is present in excess, the number of target cell receptor may decrease. This effect is called as down regulation. तो देखिए, जब receptor, जब hormones की concentration बढ़ जाए, hormones अपनी normal मेदार से इसकी amount बढ़ जाए, blood के अंदर इसकी circulation जो है ज़्यादा हो जाए, तो इस दौरान इस hormones के लिए जो specific receptors है, इस receptors की तादाद में कमी आ जाती है और इसको हम कहते हैं down regulation। क्योंकि इसकी रीजंस क्या है, क्यों ये डाउन रेगुलेशन आ जाती है, क्योंकि अगर हार्मोन्स बहुत ज़्यादा हाई मेदार में मौजूद है, फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन्स है, अगर ग्रोथ हार्मोन एक हाई मेदार में फॉर एग्जांपल ब्लड के अंदर प्रेजेंट हो और इसके रिसेप्टर्स भी हाई मेदार में प्रेजेंट हो, तो ग्रोथ जो है वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी। तो इस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को या अनकंट्रोल्ड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को कम करने के लिए रिसेप्टर जो है वो डाउन आ जाती है, इसकी जो है डाउन रेगुलेशन आ जाती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाउन रेगुलेशन। For example, when certain cell of the testes are exposed to a high concentration of luteinizing hormone, the number of luteinizing hormone receptor decrease. Down regulation make a target cell less sensitive. यानी इसकी वजह से, डाउन रेगुलेशन की वजह से जो टारगेट सेल्स है वेयर द रिसेप्टर इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ दिस टारगेट सेल्स, वो रिसेप्टर जो है वो डिसेंसिटाइज होती है, वो हार्मोन्स को रिस्पांस नहीं देता और इसकी वजह से एज अ होल सेल जो है वो लेस सेंसिटिव बन जाता है। दूसरी बात है आप रेगुलेशन है। इन कॉन्ट्रास्ट व्हेन अ हार्मोन इज डेफिशिएंट्स द नंबर ऑफ रिसेप्टर में इंक्रीज, दिस फिनोमेना इज नोन एज अप रेगुलेशन विच मेक अ टारगेट सेल मोर सेंसिटिव टू अ हार्मोन। दूसरी प्रोसेस है आप रेगुलेशन। आप रेगुलेशन उस कंडीशंस में होती है जब हार्मोन्स बहुत ज्यादा जो है वो लेस अमाउंट्स में, यानी ग्लैंड जो है फॉर एग्जाम्पल एक ग्लैंड एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ हार्मोन को सिंथिसाइज करती है। अब अगर इस ग्लैंड में कोई कमी है या हार्मोन्स की सिंथेसिस अच्छी तरीके से नहीं होती, तो इसकी वजह से जो है बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज वो अफेक्ट हो सकती है। तो इस अफेक्ट को बचाने के लिए रिसेप्टर्स की अमाउंट, रिसेप्टर की तादाद बढ़ जाती है और रिसेप्टर की तादाद जब बढ़ जाती है तो वो रिसेप्टर जितने भी हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं सबको वो रिसीव कर लेता है और सेल के अंदर चेंजेस जो है वो लेके आता है। तो उसको हम कहते हैं अपरेगुलेशन, और अपरेगुलेशन में सेल की सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है।